अब आप सुनेंगे रेडियो खांची 90.4 एफएम पे कार्यक्रम रूबरू। जोहार, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी और शो लेकर आ गई हूँ रूबरू। रूबरू में आज हम बात करेंगे देश के महापर्व के बारे में। महापर्व यानी वोट, यानी इलेक्शन, मतदान, मतदाता, ये सारे जो शब्द हैं इस महापर्व से ही जुड़े हैं और इन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं श्री सुबोध कुमार सर, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कम ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं झारखंड में, और साथ में इनके साथ जुड़े हैं श्री आदित्य पांडे सर, जो कि ट्रेनी आईएएस हैं, साथ ही असिस्टेंट कलेक्टर हैं रांची के और 2023 बैच के ये आईएएस रहे हैं। तो आप दोनों का स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख लें या होर्डिंग्स में लगे दिख रहे हैं 881, और ये देखकर काफी जिज्ञासा हो रही है कि आखिर ये 881 है क्या। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स श्रोता हैं, उनको बताइए 881 है क्या। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये आपके जो श्रोता है ना जी, ये विशेषकर उनके ऊपर ही फोकस करके है ज्यादा जी। ये 881 फेस्टिवल हम लोग कनेक्टिंग वोटर्स थ्रू आर्ट एक प्रोग्राम कर रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में 18 और 19 अक्टूबर को। ये दिन भर चलेगा, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। और इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि इसमें पूरे देश से, अलग अलग शहरों से अच्छे चित्रकार, आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो नामी चित्रकार हैं। और ये एक अनूठा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, अन्य कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो यहाँ अगर आएंगे तो ना सिर्फ हमारे मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम से रूबरू होंगे जी, साथ ही साथ वो यहाँ देखेंगे कि देश के नामचीन कलाकार, आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग्स कैसे करते हैं, लाइव पेंटिंग करेंगे वो। आमतौर पे आप जाते हैं कहीं भी तो आपको एग्जीबिशन देखने को मिलता है, यानी रेडी किया हुआ जो पेंटिंग्स होता है उसको आप जाकर के उसका अवलोकन करते हैं, पर यहाँ आपको दिखेगा कि लोग कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं। बहुत सारे आर्ट लवर स्टूडेंट हैं, वो यहाँ आकर के अपने मन पसंद आर्टिस्ट का काम देख करके सीख सकते हैं कि एक पेंटिंग कैसे तैयार करनी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के लोकल जितने कॉलेजेज हैं उनके स्टूडेंट्स के बीच दिन भर जो है कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं, जो लिमिटेड लोगों के लिए होंगी, सिलेक्शन करके उनका किया जाएगा। जैसे नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगिता हो गई, या एक्सटेम्पोर स्पीच की हो गई, या पोएट्री की हो गई, या क्विज हो गया, तो इन सब चीजों का कंपटीशन चलेगा। उनको सर्टिफिकेट और प्राइजेस भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग म्यूजिकल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे यूथ वोटर्स हैं, शहर के जो लोग हैं, परिवार सहित भी जो आएंगे, वो यहाँ पे बोर ना हो, उनको अच्छे संगीत का भी लुत्फ लेने को मिलेगा। यहाँ पे वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड भी गीत संगीत का आयोजन वहाँ पे किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम लोग रांची के कुछ नामचीन फूड स्टॉल को भी लगा रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के फूड स्टॉल, मैं आपको बता दूं, पानी पूरी से लेकर के मोमो तक और लिट्टी चोखा तक, हर तरह के आइटम वहां पे मिलेंगे। तो एक मतलब मेला सा माहौल है, ये कॉम्बो है, आपको आर्ट भी मिल रहा है, आपको फूड भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, पैकेज है ये, फुल पैकेज। हमारे साथ रांची जिले से स्वीप का एक्टिविटी जो देख रहे हैं, स्वीप हमारा जो कार्यक्रम है वो वोटर अवेयरनेस के लिए ही है। हाँ। हम इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी वोटर अवेयरनेस का काम जो सालों भर करते रहते हैं, उस काम को ये यहाँ एज ए ट्रेनी यहाँ रहते हुए उसमें इनका काफी योगदान है और देख रेख कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रांची जिले में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, एक बार थोड़ा आदित्य जी आप भी बताएं जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे स्वीप के बारे में बताइए पहले तो, और यहाँ पोर्टल पे क्या क्या है लोगों के लिए मौजूद, और इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इसका क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बोला अभी कि हम जो करने जा रहे हैं, और सर की जो पहली लाइन थी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, और जैसा कि हमें विदित भी है कि एमसीसी लग गया है और अब चुनाव की तैयारियां भी हो रही है,
तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की हम बात करें तो हमने जिस फेस्टिवल का अरेंजमेंट करा है या फिर जिस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं RTT1, ये अपने नाम में ही बहुत सारी चीजों को पूर्व विदित कर देता है। अगर हम 81 की बात करें तो किसी भी वोटर या फिर मतदाता के एंगल से अगर हम समझने की बात करते हैं तो ये 81 निर्दिष्ट करता है उन सभी जो हमारी विधानसभा चुनाव की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, संख्या 81 विधानसभा क्षेत्र, 81 विधानसभा संख्याओं को करता है। इसके अलावा जैसा सर ने बताया कि पूरे देश भर से बियॉन्ड भौगोलिक जो हमारी ज्योग्राफीज हैं उनसे, इनफैक्ट नेपाल तक से कलाकार आएंगे और वो कहते हैं ना कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का एक चित्रण जो करते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे मन में दबी रह जाती हैं, तो उसका एक पूरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जो चित्रण है ना वो करेंगे। अब प्रश्न ये है कि क्यों करेंगे? तो अगर लोकतंत्र पर्व है, लोकतंत्र का जो पर्व है वो अगर चुनाव है तो उसकी कोई चेतना भी होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो मतदाता गण है, मेरा मानना है कि वो इस पूरे के पूरे लोकतंत्र के पर्व की चेतना है। और ये सिर्फ आपका एक ड्यूटी नहीं है, ये आपका एक अधिकार है। तो मेरा मानना है कि इस चीज में आप आइए, ना सिर्फ अपने जो आपके अंदर में जो आंतरिक जो आपकी इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कीजिए, बल्कि उस पूरे के पूरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को पूरी बड़ी से ऊंचाई दीजिए और लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व में, जैसे कहते हैं ना कि एक मेला लगता है तो आप आकर के उसमें पूरे मौज मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये चुनाव एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, आप मतदाताओं को इससे जुड़ना चाहिए और अपना पूरा का पूरा मस्ती एकदम कहते हैं ना बिल्कुल मजे से आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपके अमूल्य वोट का आपको योगदान देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि अगर हम लोकतंत्र का महापर्व इसको कह रहे हैं तो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें, ताकि उस दिन बाहर निकले घर से, ना कि घर में बंद रह जाएं और उसे एक छुट्टी के तौर पर मनाएं और एंजॉय करें घर में रह के। बिल्कुल भवि जी, मैं आपको इसमें एक और ऐड करके बताऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐड कीजिए कि यहां पे एक 81 feet by 4 feet का एक कैनवास भी हम लोग लगा रहे हैं जी। जो अभी ये कह रहे थे ना क्रिएटिविटी अपने आप के अंदर जो छुपी हुई है, इसके लिए भी हम लोगों ने एक स्थान दिया है 81 feet का, जिसमें कि आप जो भी स्टूडेंट हैं, फैमिलीज हैं, जो भी हमें विजिट करेंगे वहां पे, वो आ करके वहां पे अपना स्लोगन राइटिंग, पोएम राइटिंग या कोई चित्रकारी करना चाहते हैं, कुछ पेंट करना चाहते हैं, तो वो वहां आ करके अपने कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। फ्री एंट्री है सब किसी के लिए, कोई भी वहां आ सकता है और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकता है। खास करके जो हमारे रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनसे तो मेरी विशेष गुजारिश है कि वो जरूर आए, ऐसा मौका ना चूकें। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कला का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, गीत संगीत का मजा लेने का मौका मिलेगा और एक फूड फेस्टिवल का भी मजा लेने का मिलेगा, और साथ ही साथ आप हमारे इलेक्शन से रिलेटेड जो काम है, जो हमारा इलेक्शन कराने का जो प्रोसेस है पूरा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी और आप अपने क्रिएटिव चीजों को भी आकर यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम बात सर 18 प्लस वाले वोटर्स की कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि कैसे हम जुड़ सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड कैसे बन सकता है, हम इसमें जुड़ कैसे सकते हैं, वोट दे कैसे सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। वैभव जी देखिए, हमारा तो प्रयास ये है इलेक्शन कमीशन का कि हमारे देश का हर मतदाता जो है वो एक स्मार्ट वोटर हो जी। इसके लिए हम लोगों ने सभी तरह के प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप ECI के वेबसाइट पे जाइए, CEO झारखंड के वेबसाइट पे जाइए, हर तरह का इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर करते हैं जी। और साथ ही साथ हम लोग छपे हुए रूप में भी जी, है ना, वोटर गाइडेंस जो है हम लोग उसका वितरण करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम में वोटर विजिट करते हैं तो वहां आकर के वो जागरूक होते हैं। वो स्मार्ट कैसे बनते हैं? स्मार्ट ऐसे बनते हैं कि जब उनको पूरी जानकारी रहेगी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वाना है जी। वोटर लिस्ट में अगर मेरा नाम जो आया है, मेरा जो कार्ड है उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि है तो उसमें कैसे सुधार करवाना है, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए तो हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है जी। हम जब वोट करने का टाइम आता है तो उस समय आपके पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपके घर पे भेजा जाता है, उसका कैसे प्रयोग करना है, आपको कौन कौन सा आईडी प्रूफ लेकर के जाना चाहिए जी। बूथ पे जी, पोलिंग जी। स्टेशन पे जी। ताकि आपको वोट देने में कोई परेशानी नहीं हो,
पोलिंग स्टेशन पे क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। जी सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि क्या क्या फैसिलिटी आपको पोलिंग बूथ पे मिलने वाली है। आप बेसिक जितना भी चीज आप जानती होंगी जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, सफाई है, वहाँ पर बिजली की उपलब्धता है, शेड की उपलब्धता है, रैंप की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि कोई अगर हमारे दिव्यांग बंधु आए तो व्हील चेयर से भी उनको बूथ के अंदर प्रवेश कराया जा सके। वॉलेंटियर होते हैं वहाँ हेल्प करने के लिए, BLO होते हैं, है ना, तो सभी तरह का व्यवस्था वहाँ पे किया जाता है। और इन सब चीजों के बारे में जो मतदाता अवेयर होंगे और जानेंगे तो उनको हम कहेंगे कि वो एक स्मार्ट है। उन वो स्मार्ट तब है जब वो जाने कि वोटर हेल्पलाइन ऐप नाम का कोई चीज है जी, अपने अधिकार जाने। और जब मोबाइल पे आप ऐसे 10 20 50 आजकल ना ऐप डाउनलोड करके रखते हैं जी। उसमें एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, छोटा सा ऐप है, अगर उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके माध्यम से कभी भी वो जान सकते हैं कि मेरा नाम किस बूथ पे है, मेरा नाम है या नहीं है, है कि नहीं जी। साथ में आपको कौन सा कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से वो किसी तरह के परेशानी में आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। मतदान के दिन कौन कौन सा दस्तावेज लेकर के जाना चाहिए बूथ पर जी, टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। एक मतदाता को ये भी जानना जरूरी है कि मतदान के दिन वो जिस भी संस्था में काम करते हैं वहां से उसको छुट्टी मिलती है मतदान देने के लिए, वो उनका अधिकार है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों के बारे में जब आप अवेयर हैं और अपने मताधिकार के बारे में अवेयर हैं तो आप एक स्मार्ट मत बिल्कुल सर है। ये इम्पोर्टेंट भी है कि लोग छुट्टी नहीं मिलने की वजह से नहीं आते हैं, लेकिन ये एक पेड लीव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लेम कर सकते हैं और जो एम्प्लॉयर है उनकी बाध्यता है उनको छुट्टी देने की कानूनन जी। वैभवी सर की बातों पे मैं थोड़ा सा ऐड और करूंगा, क्योंकि सर ने बात करा है एक स्मार्ट वोटर का। देखिए, एक बड़ा भ्रम जो होता है ना, सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम वोट देने जाते हैं और गलती से अपना एपिक कार्ड छोड़ाते हैं, जो हमारा इलेक्शन का जो हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। उसके लिए भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब आप स्मार्ट बन ही रहे हैं तो आपको इसीलिए इन भ्रामकताओं को भी दूर करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एपिक कार्ड नहीं है आपका, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उस गाइडलाइंस के तहत हमारे पास 12 अन्य दस्तावेज भी हैं जो कि हमारी पहचान को प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो कुछ अनुमोदित दस्तावेज भी हैं हमारे पास। अगर हमारे पास एपिक नहीं है तो हम उन दस्तावेजों को दिखा करके भी हम अपना मतदान कर सकते हैं, जिनमें से अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारा आधार कार्ड, हमारा मनरेगा जॉब कार्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मनरेगा उन वर्ग के लिए जो कहीं दूसरे जगह कार्य कर रहे हैं, अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग हैं। तो जैसा सर ने बताया ना कि अगर आपको उस फॉर्म की जानकारी है तो सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म, उस फॉर्म को भर के आप अपना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कराएंगे। गलती से एपिक आपने घर पे छोड़ दिया है तो आपका जो मनरेगा का जॉब कार्ड तक है ना वो भी कार्य करेगा। इसके अलावा आपके पासबुक्स जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा दिए गए हैं, इस तरीके से टोटल पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाई RGI अंडर NPR, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, ताकि आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो सत्यापित हो सके। टोटल 12 है एपिक के अलावा। तो हमारे मतदाता जितने गण हैं उनसे यही मेरा सविनय निवेदन है कि परेशान नहीं होना है। अगर आप मत देने के लिए तैयार हैं तो पूरी तरीके से हमारे निर्वाचन आयोग ने इसकी सुविधा प्रदान की है कि अगर एपिक नहीं आप दे पा रहे हैं उसके अलावा भी इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को भी अगर आप वहां पे प्रस्तुत करेंगे तो आप अपना अमूल्य वोट जो है वो दे पाएंगे और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हर्षोल्लास के साथ आप मजे ले पाएंगे। जी बहुत इम्पोर्टेंट है सर कि लोगों को ये सारी चीजें जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप मत देने के लिए तैयार हैं तो जो निर्वाचन आयोग है वो आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। मैं वैभवी जी, आप आज अपने मौका दिया है तो मैं और भी कुछ चीज बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। आप देखिए, हम लोगों के पास जो है एक सक्षम नाम का ऐप भी है जी, जिसमें कि दिव्यांग मतदाता जो है ना उस ऐप के थ्रू अपने आप को चिन्हित करवा सकते हैं और उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप को आपको बता ही दिया जी, बिल्कुल। इसके अलावा भी चुनाव के समय में KYC भी होता है, नो योर
कैंडिडेट आप अपने कैंडिडेट के बारे में, उसके शैक्षणिक योग्यता, उसके आपराधिक चरित्र, केस मुकदमे हैं उस पे, सारा डिटेल आपको उस ऐप के माध्यम से मिल जाता है। और एक जागरूक और स्मार्ट मतदाता जो है वो ये इसको देख करके और अपने वोट के बारे में वो सोच सकता है कि क्या करना है। अभी इलेक्शन के दरमियान MCC लागू हो गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी तरह का मैल प्रैक्टिस हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, MCC का उल्लंघन हो रहा है ना, तो इन सब चीजों का कोई भी आदमी उसको लाइव उसका फोटो वीडियो लेकर के और सी विजिल ऐप के थ्रू अगर अप्लाई करेगा 100 मिनट के अंदर उसको रिजॉल्व किया जाता है। हमारा उसके लिए तंत्र लगा होता है SST-FST का, वो लोग इसकी जांच करते हैं, जांच करके उस पर निर्णय लिया जाता है क्या सही है क्या गलत है, इसमें FIR होना है नहीं होना है, ये सारा चीज होता है। तो कहने का मतलब है कि एक मतदाता को स्मार्ट बनाने के लिए, हमारे वोटर को स्मार्ट बनाने के लिए हम लोगों ने सभी तरह के प्रयास किए हैं, लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। और इसी पर्पज से हम लोग 881 फेस्टिवल भी कर रहे हैं कि आर्ट के बहाने लोग जो है वो आए और एक तरह का एक फेस्टिविटी का एक लुत्फ ले और साथ में इन सब चीजों के बारे में भी हम उनको एडुकेट कर पाए। और इसलिए भी बहुत जरूरी है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना कि अगर आप अपना अधिकार नहीं जानते हैं तो आप वहां जाकर खुद को ट्रेन कर सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में 881 फेस्टिवल में जाके जान सकते हैं। सर आपकी मौजूदगी रहेगी, आदित्य सर आप IAS हैं 2023 बैच के, तो स्टूडेंट्स में सुने हैं काफी पॉपुलर भी हैं आप, और जो छात्र आएंगे अगर सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं तो वो तो बहुत इंटरेस्टेड होंगे आपसे मिलने को, लेकिन बाकी भी होंगे, तो आपके जरिए क्या क्या जानने को मिलेगा और जो सिविल सर्विसेज स्पेशली जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए आप कुछ हमारे रेडियो खांची के जरिए। वैभवी जी, आज आदित्य जी को हम साथ लेकर के इसीलिए आए हैं, एक तो इनकी सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है, यंग है और अभी अभी UPSC क्लियर करके 2023 में IAS बने हैं, तो आपके रांची यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स जो हैं इनके फैन हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको ये एक अनूठा मौका मिलेगा इस 881 कार्यक्रम में जहां वो इनसे मिल सकते हैं, मतदाता जागरूकता के साथ साथ अन्य किन किन पहलुओं पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ये आदित्य जी खुद बताएंगे। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, मैं सर को भी दूंगा क्योंकि इन्हीं का पूरा आइडिया था कि सर आपको जुड़ना भी चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज के समय में मैं देखूं तो मुझे बचपन की एक ऐसे की लाइन याद आ रही है जो मैंने बहुत पहले लिखा था, आई थिंक 2003 या 2004 में मैंने लिखा था, और उसका शीर्षक था कि आज की जो शिक्षा है वो परीक्षा के दानों का ग्रास बनता जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज की परीक्षाएं ऐसी हो गई है ना कि इतना ज्यादा एक मेंटल टॉर्चर, एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन, अब वो फॉल्स है सही है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ ऐसा एक क्रिएशन हो गया है कि एक ऐसी भागम भाग में हम जी रहे हैं जहाँ इसको एक वो कहते हैं ना व्यापार के तौर पे बना दिया गया है, और ये जो परीक्षा का दानव है ये शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है आपका ज्ञानार्जन आपका जीविकोपार्जन उसको खत्म कर रहा है। तो मेरा मानना है कि मैं सबसे यही कहूंगा कि एक वक्त, एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन के साथ किसी भी चीज को आप अप्रोच करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता है, हम करेंगे, मैं नहीं होता हूं डिसाइड करने वाला कि आपकी क्षमता है कि नहीं है, आप स्वयं इसके अधिकारी हैं, आप स्वयं अपने टीचर से मिलिए, अपने शिक्षक से मिलिए, आप समझ जाएंगे, लेकिन हमेशा एक डेडलाइन के साथ काम किया कीजिए। जब हमने भी नौकरी छोड़ी थी, मुझे अभी भी याद है, हम शायद 27 या 28 के रहे होंगे, जब हमने भी नौकरी छोड़ी हमें पता था कि हमारे पास 3 से 4 अटेम्प्ट है, अगर उसमें नहीं होता है तो ऑब्वियसली आई हैव टू मूव ऑन, हमको कुछ जॉब के या फिर कार्य के कुछ नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे। तो बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में शिक्षा को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, मैं बिल्कुल चाहूंगा अगर आप 881 का अगर आप हिस्सा बनते हैं, जो कि आपको बिल्कुल बनना चाहिए, इनफैक्ट मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं सविनय निवेदन करूंगा सभी से कि ऐसे तो समय नहीं मिल पाता है कि मैं स्पेयर कर पाऊं, लेकिन हाँ 881 में चूंकि मैं 2 दिन वहीं रहूंगा, जिसको भी मिलना है, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी परेशानियां हैं, लेकिन हाँ वो उसका एक एम्बिट होना चाहिए कि आप शिक्षा से लेकर पूछेंगे, परीक्षा से लेकर के पूछेंगे, अगर आप किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पे भी हम कुछ ना कुछ उस पे हम आपसे चर्चा करके हम उस चीज को दूर कर सकें। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा ना कि 881
देश के सच्चे और अच्छे मतदाता कैसे बनेंगे। बिल्कुल, ये मेरे लिए नहीं है। आर्ट 81 अगर हम एज अ वोटर बात करें तो मेरे लिए भी है जी। मेरे लिए भी है, बिल्कुल है। लेकिन चूंकि मेरा पर्पस ये है कि हमें तो करना ही है, क्योंकि हम तो रहेंगे ही तो हम तो करेंगे ही। लेकिन मेरा मानना है कि जो नए वोटर्स हैं, जो अभी कॉलेज में, जो विश्वविद्यालयों में अभी नया नया एक हर्षोल्लास के साथ वो अपने जीवन के नए उड़ान तो ऐसे होंगे जो अभी पहली बार वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी 18 क्लियर किए हैं, क्योंकि अंडर 17 12th क्लियर करते हैं बच्चे, तो जो फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं जिनका उम्र 18 हो गया है, और जो अभी नए नए प्रथम बार मतदाता बनने जा रहे हैं, उनसे तो खास करके मेरा निवेदन है कि आप आइए मिलिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि जरूर वोट दीजिए। बिल्कुल, और जिसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वोट देना, वो अगर बढ़िया रहा तो वो हर साल जाना चाहेंगे, हर बार जाना चाहेंगे, जब भी वोट होगा वोट देने जाना चाहेंगे और अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक बड़ी परेशानी क्या होती है ना कि यूजुअली मेट्रो सिटीज में या फिर बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पे यूजुअली जीविकोपार्जन का एक माध्यम बना दिया गया है जॉब जी, तो लोग क्या करते हैं कि उस दिन वोट नहीं देने जाते हैं, मतलब ऐसा फील होता है या फिर ऐसा हमने भी देखा है। तो मेरा मानना है कि लोगों को लगता है कि अरे हमारे एक वोट से क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि शहरों में आबादी बहुत ज्यादा है। अब अगर यही एक व्यक्ति सोच ले कि हमारे एक वोट से क्या होगा, और अगर हर व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है, तो एक बड़ी प्यारी कहानी है कि एक बार एक पूजा के लिए दूध लाना था, तो सबने सोचा कि अरे वो तो दूध डाल ही देगा, हम पानी डाल लेते हैं। जब मॉर्निंग में जब पता चला, उस पूरे के पूरे कंटेनर को खोला गया, उसमें दूध नहीं सिर्फ पानी था। तो ये जो कहानियां हैं, ये जो किंवदंतियां हैं, अब ये सत्य है झूठ है वो हमारा पर्पस नहीं है, पर इन कहानियों की मूल शिक्षा यही है ना कि अगर आप स्वयं में बदलाव लेके नहीं आएंगे ना, तो समाज नहीं बदलेगा। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो फिर सब तो यही सोच रहे हैं ना, तो कम से कम आप अपना जो आपका मूल, जो आपका एक अधिकार है, जो आपका मूल उत्तरदायित्व है, दोनों यहाँ मिक्स है। इस चीज में मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज भी करूंगा कि मतदान सिर्फ आपका उत्तरदायित्व नहीं है, आपका अधिकार है, यह आपको सशक्त बनाता है समाज में। आपका जो एक इनहेरेंट एक्सप्रेशन होता है ना, जिसको हम कहते हैं आंतरिक, जो मेरी चेतना की आवाज है, उसको दर्शाता है। तो मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हमारे एक वोट से क्या होगा। आपका एक वोट बहुत मैटर करता है, सर, बहुत बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम कहते हैं, कहते क्या है, ये सत्य है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर एक वोट का महत्व है। हमने कहा ना कि हमने अब चूंकि वही मैंने बोला ना कि अब इन सब चीजों पे बातें होती है ना, तो मैंने कहा ना कि एक पूरा का पूरा एक भानुमति का पिटारा खुल जाता है। जैसे आपने कहा कि बूंद बूंद से भरता है, इसका अगर हम एक साइंटिफिक एक्सप्रेशन देखें इस पर्टिकुलर किंवदंती का, तो पूरा का पूरा वॉटरशेड मैनेजमेंट क्या है, वॉटरशेड मैनेजमेंट क्या है, उस बूंद बूंद को, जो वर्षा की बूंदे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको स्टोर कर रहे हैं। पहले हम तालाबों में किए, मनरेगा के थ्रू जो हम बनवाते हैं उसमें स्टोर करते हैं, घर में हम स्टोर करते हैं। तो मैंने कहा ना कि अगर आप अपनी चेतना में अगर एक सही लक्ष्य को निर्धारित करके अगर प्रेषित करेंगे, तो मेरा मानना है कि समाज सुदृढ़ होगा और बढ़ेगा। इसीलिए आर्ट 81 ना उसी चेतना का एक एक्सप्रेशन है कि आप आए, पार्टिसिपेट करें, भाग लें, और जिस दिन भी मतदान है, जैसे यहाँ पर दो चरणों में मतदान होने वाला है हमारा, तो जिस चरण में, जिस दिन, जिन मतदाता का जिस दिन है, आप बिल्कुल दीजिए। सिर्फ रांची नहीं, मेरा तो कहना है कि पूरा राज्य वोट करे। बिल्कुल, पूरे राज्य को वोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के हर एक वोटर के लिए बात करें, हर एक मतदाता के लिए बात कर रहे हैं। और खास तो ये भी है कि अगर आप वोट के नाम पर नहीं आए, तो आदित्य सर से मिलने का मौका मिलेगा, आप इस पर्पस के लिए आए, उनसे जो जानकारियाँ मिलेंगी वो शायद वो फिर कहीं और ना दे पाए, क्योंकि दो दिन यहाँ डेडिकेटेड रहेंगे वो आपके लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा अनुरोध आपसे भी है कि जी जरूर आए। बिल्कुल सर, कुछ रेडियो जॉकी से भी मेरी बात हुई है, वो लोग भी आएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि वहाँ रेडियो जॉकीज आपके जो फेवरेट है, उन लोगों को भी अनुरोध किया गया, वो लोग भी आएंगे, और दिन के समय में कभी भी वो लोग आएंगे और आपसे भी रूबरू होंगे और आपसे बातें करेंगे जी। तो आप जरूर सबको अपने चैनल से आह्वान कीजिए कि वो लोग इस प्रोग्राम में आए। बिल्कुल, और फाइनली मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी रांची वासी से, यहाँ पे रहने वाले सभी शहरवासियों से, सभी परिवार से, जितने भी आर्ट लवर हैं उनसे, जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा वक्त वो चाहते हैं कि अपने रूटीन से निकाल के थोड़ा सा कोई क्रिएटिव वर्क और अच्छे माहौल में कुछ समय गुजारा जाए, तो वहाँ सब कुछ है, फन है, फूड है, फेस्टिवल है और फाइन आर्ट है, हर तरह का चीज है। आप वहाँ पर आए, और साथ ही साथ
आदित्य जी जैसे व्यक्ति आपके जिले में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो लोग भी आकर के इनसे मिलें और मतदाताओं को जागरूक करने में अपनी भी अहम भूमिका स्टूडेंट निभाएं। वो हमारे भविष्य हैं। अगर पहली बार वोट देने वाले या नए नए जो वोटर हैं, यंग वोटर्स हैं, यूथ हैं, वो जब आगे बढ़ चढ़ करके इन सब चीजों में हिस्सा लेंगे और यह मानेंगे कि हमारे कुछ करने से कुछ होगा, तो जो शहर के और भी लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे और मतदान के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जो है, हर नागरिक जो रांची का है या पूरे राज्य में जो लोग हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयास करने के लिए इसी कोशिश में हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत ये आयोजन कर रहे हैं और इसका लाभ, इसका मजा, इसमें पार्टिसिपेट करने का जो आनंद है वो जरूर सब लोग ले, यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल सर, सर के साथ साथ मेरा भी अपील है कि आइए इस फेस्टिवल में शामिल होइए, अपना अधिकार जानिए। डांसिंग, फूड, पेंटिंग के साथ साथ तरह तरह के और भी कार्यक्रम, यहाँ नुक्कड़ नाटक हो गए, पोएट्री हो गए, उस सब का आनंद लीजिए और सर से मिलना हो पाएगा आपका, आदित्य सर से मैं बार बार कह रही हूँ। साथ में जैसा सर ने कहा कि आप हम आरजे से भी मिल सकते हैं, तो अगर इनमें से किसी भी एक टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है तो आ जाइए 881 जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, आइए आनंद लीजिए। और इसी के साथ सुबोध सर आपका और आदित्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची 90.4 FM पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है इसमें हम लोगों को बुलाया, ये मौका दिया और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग रूबरू हुए हैं, हमारी आवाज उनकी तक उन तक पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी सर, वो लोग सब आएंगे। बिल्कुल पहुंचेगी सर और स्टूडेंट जरूर आएंगे, मेरा अपील है कि, और वीकेंड है स्टूडेंट्स आपके लिए, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है वीकेंड है, आप आइए, अपने वीकेंड को खास बनाइए, कुछ व्यंजनों का लुप्त उठाइए, म्यूजिक का आनंद लीजिए, आर्ट को एंजॉय कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच भी जो आर्टिस्ट हैं वो भी आकर के अपने कला का प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय बस, अगर हम आज के समय में देखें तो हमें ये बहुत जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जहाँ पे लोग IIT IIM से पढ़ने के बाद भी उन क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। जी, अगर हम बात करना शुरू करें तो एक बड़े फेमस राइटर हैं अमीश त्रिपाठी, वो IIM's प्रोडक्ट है और उसके बाद वो बुक राइटिंग में करते हैं। बड़ी एक प्यारी बुक है उनकी, मिलुहा ट्रायोलॉजी करके वो है उनकी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो IIT BHU से पढ़े हुए हैं और वो भी फिल्मों में है, ग्रोवर करके हैं जो कि शायद स्क्रीन प्ले या राइटिंग करते हैं। एक नाम नहीं, ऐसे एक दो नाम तो सिर्फ मुझे अभी याद आ रहे हैं और मैंने जिन भी संस्थाओं का नाम लिया वो अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। जी बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है, वो कहते हैं ना कि कला किसी संस्था की जागीर नहीं है कि अगर आप वहां से पढ़ेंगे तभी निकलेंगे। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो कि बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से थे और आज कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और खुद को साबित भी करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि जिस दिन आप अपनी मूल चेतना को पहचान लेंगे बदलाव उसी दिन हो जाएगा। इसीलिए जरूर आइए और बिल्कुल दो दिन मैं भी वहीं पे हूँ, 18 और 19 को मैं पूरे दिन वहीं रहूंगा, जितने देर का हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। और जिसको भी मिलना होगा, जिस चीज पे जानकारी चाहिए, वो मतदाता जागरूकता पे जानना चाहे, समाज के बारे में सुनना है, या फिर उनको अपनी शिक्षा संबंधी रिलेटेड चीजें चाहिए, जीविकोपार्जन के नए आयाम जानने हैं, परीक्षा रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए, मैं बिल्कुल वहीं पे हूँ और आप सबके सहयोग से ही इस सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व को हम बिल्कुल फलित कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें करने को लेकिन वक्त कम है, तो अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो आज के कार्यक्रम में रूबरू में हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री सुबोध कुमार सर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कम ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं झारखंड में, और साथ ही इनके साथ मौजूद थे आदित्य पांडे सर जो कि ट्रेनी IAS है, असिस्टेंट कलेक्टर रांची 2023 बैच के IAS हैं ये। इनसे कई सारी बातें करी हमने, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।